गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिकेलिस। गाइस आज मैं आपको बताऊंगी कि दिवाली पर ग्लिटर आईशैडो कैसे लगाएं। दिवाली पर अगर चमकना धमकना है तो ग्लिटर आईशैडो लगाना तो ज़रूरी है, और इसके साथ साथ मैं आपको पूरा मेकअप ट्यूटोरियल भी बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम अपने फेस को मॉइस्चराइज करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर नीविया की क्रीम ले रही हूँ। ये मॉइस्चराइजिंग के लिए एक बेस्ट क्रीम है और अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप प्राइमर लगा लीजिए, लेकिन यहाँ पर मैं प्राइमर नहीं लगा रही हूँ। और फिर मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर रही हूँ। सो लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने यहाँ पर मैट लुक का लिप बाम यूज़ किया है। उसके बाद मैं कंसीलर से अपनी क्रीज लाइन बना रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे बनाया है। उसके बाद मैं यहाँ पर आई शेडो ले रही हूँ, तो ये थोड़ा रेडिश आई शेडो है। ये वीडियो में थोड़ा पिंक पिंक दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप देख लीजिए कि मैं कैसे लगा रही हूँ। इस टाइप से आपको लगाना है। उसके बाद मैं यहाँ पर ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ, तो ये मेरी आई शेडो पैलेट है पूरी। इसका मैंने रिव्यू भी दिया है, लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। देखिए मैं कैसे ग्लिटर लगा रही हूँ, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये बहुत आसान तरीका है कि आप आसानी से एकदम परफेक्टली ग्लिटर आई शेडो लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बस बीच बीच में लगाया है। ग्लिटर लगाने के बाद बस आपको आईलाइनर लगाना है, तो यहाँ पर मैं मार्स का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए मैंने आईलाइनर लगाया है, विंग्स बनाए हैं। आप देख लीजिए कि मैंने कितनी आसानी से विंग्स बनाए हैं। गाइज अगर आप आईलाइनर लगाना चाहते हैं अच्छा, तो आप ध्यान रखिए कि आप बिल्कुल जो पतला वाला ब्रश आता है वही यूज़ कीजिए। अगर आप मोटा ब्रश यूज़ करेंगे तो आपका आईलाइनर अच्छा नहीं लगेगा। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ये रेवलॉन का मस्कारा है। एंड गाइज ये जो मेकअप है ये ड्राई स्किन के लिए है, एंड ये हम ग्लोई मेकअप करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लैक्मे का फाउंडेशन लिया है। एंड ये मार्स का एचडी लिक्विड हाइलाइटर लिया है, ये ट्यूब में आता है, जिससे कि हमारी स्किन पर ग्लो आता है, एकदम हाईलाइट होती है हमारी स्किन। तो आप पहले ऐसे थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना, बिल्कुल कम क्वांटिटी में ही आपको हाइलाइटर लगाना है। एंड हाइलाइटर लगाने के बाद आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है। ऐसा करने से आपका मेकअप इल्यूमिनेटिंग हो जाएगा। और उसके बाद आपको ब्लश लगाना है, आप यहाँ पर लिक्विड ब्लश भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हाइलाइटर अप्लाई करना है। आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको हाइलाइटर कितना पसंद है। अगर आपको ज़्यादा हाइलाइटर पसंद है तो आप ज़्यादा लगाइए, और अगर कम है तो आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा छोटे से ब्रश में रेड आई शेडो लिया है, और उसको अपनी लोअर लैश लाइन पर लगा रही हूँ। इसके बाद अगर आप चाहें तो काजल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ। एंड लास्ट में मैं यहाँ पर पिंक लाइन की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। अगर आप को इनमें से कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी, वहाँ से आप फ्री शिपिंग में कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये देखिए लास्ट लुक हमारा, बहुत ही इजी हमने मेकअप किया है। तो ये आसान सा मेकअप लुक आप दिवाली पर क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।